Hello, welcome. This is One India News, and I am Akash. The budget 2017 is just around the corner, and there are many people who have huge expectations from this budget. But there is one person in the whole household who has the who has an eagle eye over the budget 2017 and those are the housewives we at one india went to housewives and asked what are their expectations of this new budget 2017 especially after demonetization let's hear what they have to say लड़कियों की सिक्योरिटी है उस पे आप क्या कहेंगे कि बजट में इसको लेकर कुछ होना चाहिए आज की डेट में सब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई मतलब कैमराज स्पाई कैमरा या कैमरा लगाए जाएंगे हर रेड लाइट पे लगा जाएगा वो सिर्फ बातें हुई हैं अभी तक मैंने नहीं देखा मैं आज आप आज भी कहो मैं चल कर के रेड लाइट पर आपको सारे साइड्स दिखा सकती हूँ किसी एक साइड अगर कैमरा लगा हो तो आप देख लो हाँ कोई शॉप में है शॉप पे लग सकता है लेकिन शॉप से हमें क्या मतलब है आज की डेट में अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मेरे मम्मी पापा का पाँच बजे से फ़ोन आने लगता है कि बच्चा आप कहाँ हो कब तक आओगे उनकी भी परेशानी जायज़ है क्योंकि नोएडा हो या कहीं भी हो इतनी ज़्यादा लड़कियों के संग मिसबिहेव हो रहा है लड़कियों के संग इतनी प्रॉब्लम हो रही है कौन कहेगा कि आज की डेट में लड़कियाँ सिक्योर हैं सिक्योरिटी है? के मामले में मैं तो ये कहूँगी कि कुछ हो ना हो लेकिन लड़कियों की सिक्योरिटी इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल के लिए मेडिकल में आप बजट से क्या उम्मीद करती हैं कि बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या होना चाहिए मेडिकल के लिए लेडीज़ को या महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा छूट होनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ही होती हैं ठीक है थीके? हम कहीं भी जाते हैं कभी भी बीमार पड़ रहे हैं प्रेगनेंसी है कुछ भी होता है उसके लिए कुछ नहीं हो तो हॉस्पिटल में दस दिन लगाने पड़ जाते हैं और उस दस दिन में हमारा बहुत खर्च होता है तो कुछ नहीं हो तो कम से कम हमें उतनी तो छूट मिले कि अगर हम दस दिन भी एक्सपेंड कर रहे हैं हॉस्पिटल में तो हमारा हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो क्योंकि खर्च इतने ज़्यादा हैं तो मेडिकल के लिए छूट बहुत होनी चाहिए और मोस्टली लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए तो क्या लगता है आपको कि इस बार बजट में क्या चीज़ सस्ती हो जानी चाहिए आधे से ज़्यादा तो मेरा बिजली का बिल चला जाता है फिर उसके बाद मैं कैसे परिवार अपने परिवार को चलाऊं अपने गृहस्थी बनाऊं उसमें से दो पैसे कैसे बचाऊँ क्या करूँ मेरी तो समझ से ऊपर हो रहा है यह मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि इस बजट में अब कम से कम बिजली का बिल में किफ़ायत किया जाए मेरे गृहणियों के ऊपर तो बड़ी उनकी कृपा होगी यही चाहती ये उम्मीद है कि यह बजट में हम लोग गृहणियों के लिए अच्छा आवे मेरे हक में हो तो मुझे फ़ायदा होगा सोना खरीदने में या फिर किसी और चीज़ को खरीदने में आप सरकार से किस तरह की रियायतें चाहते हैं ये चाहते हैं कि जैसे अब हमारे दो बेटियाँ हैं तो हम उनको अपने गृहस्थी से ही तो बचा के तो अपने रसोई में बचाते हैं पैसे कुछ कम करते हैं कहीं इधर से सब्जियों में कम करते हैं या दूध में कम करते हैं ये ऐसे बचा के कटौती करते हैं तो अपने पास चार पैसे बना हो जाता है कि महीने में हज़ार पाँच सौ की बचत बना जाए धीरे धीरे करके हम गोल्ड के लिए सोचते हैं कुछ हमारे पास पैसे हो गए तो हम अपने सोचें हैं कि थोड़े से हम गोल्ड ले कर रखने पड़ा रहेगा पैसे तो खर्च हो जाने हैं यह है कि जब उस पर भी चार्ज लगता है तो हमारे लिए तो क्या बचत है कुछ नहीं सरकार इस पर हम लोगों के ऊपर छूट करे तो बहुत ही अच्छी बात है यही चाहते हैं सो यू हर्ड what द housewives want from फ्रॉम दिस अपकमिंग बजट and we एंड that finance minister होपै फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली है स्टॉक ऑफ दिचुएशन आफ्टर डिमोनिटाइजेशन well that's all for now but for more news and updates log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video also please don't forget to subscribe to One India news youtube channel